तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बिगनर्स ओपन कोड कैसे प्ले करें, ठीक है। उनको मैंने फिंगर की एक्सरसाइज दे दी थी इससे पहले लेसन में, फोर्थ पार्ट में देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आपको ये बता दिया था कि फ्रेट बोर्ड को याद कैसे करें, ठीक है, हाउ टू लर्न फ्रेट बोर्ड। उसके दो पार्ट है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट और फोर्थ का सेकंड पार्ट। पूरा में ये बताया मैंने कि फ्रेट बोर्ड को याद कैसे करें, ताकि आगे आपको ये पता चल जाए कि ये कौन कौन से नोट लग रहे हैं इसमें। हम इनको प्रेस कर लेते हैं तो ये नोट हो जाता है, वैसे ओपन स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आज उनको मैं बताऊंगा कि वो कोड कैसे प्ले कर सकता है, ठीक है। तो हेलो माई व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल गिटारिस्ट। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले ओपन कोड, आज 4E4 कोड कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। आपको कराऊंगा मैं जी सी डी और ई माइनर, ठीक है। आपको मैं ये कोड कराऊंगा, ठीक है, ओपन कोड है ये, ठीक है। तो ओपन कोड में हम जी कैसे लगाएंगे, जी कोड हम होता है हमारा ये, इसको हम जी कोड बोलते हैं, ठीक है। ये जी कोड हमारा ओपन कोड होता है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। इसको लगाने के लिए हमारी मिडल फिंगर हमारी फर्स्ट बेस स्ट्रिंग और थर्ड फ्रेट पे आएगी, ठीक है। हमारी इंडेक्स फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे आएगी, ठीक है, ये दोनों हो गई। और हमारी पिंकी फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग, जो सबसे फर्स्ट वाली स्ट्रिंग होती है, फर्स्ट स्ट्रिंग और थर्ड फ्रेट पे आएगी, ठीक है। और जो हमारी रिंग फिंगर है वो आएगी हमारी सेकंड स्ट्रिंग और थर्ड फ्रेट पे। ये हो गया हमारा जी कोड, ठीक है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ये जी कोड होता हमारा ओपन में, ये बिगिनर्स के लिए, ठीक है। हम सी कोड कैसे लगाएंगे, सी कोड लगता है हमारा हमारी रिंग फिंगर आएगी हमारी फिफ्थ स्ट्रिंग और थर्ड फ्रेट पे, ठीक है, रिंग फिंगर। और हमारी आएगी मिडल फिंगर, मिडल फिंगर आएगी हमारी फोर्थ स्ट्रिंग और सेकंड फ्रेट, ठीक है। ये हो गया मेरी दो फिंगर की पोजीशन। थर्ड फिंगर आएगी हमारी, थर्ड फिंगर आती है हमारी सेकंड स्ट्रिंग और फर्स्ट फ्रेट पे। ये हो गया हमारा सी कोड, स्क्रीन में दिख रहा होगा हमारे, ठीक है। हमारे कितने कोड हो गए, हमारे हो गए जी, हमारा हो गया सी। अब मैं आपको कराता हूँ डी कोड, ठीक है। ये होता हमारा डी कोड, डी कोड मतलब डी मेजर कोड। अगर हम माइनर लगाएंगे तो उसके आगे स्मॉल में हमारा एम लग जाता है। हमारा जो डी कोड होता है, मेजर में कभी हम कुछ भी नहीं लगाते, हम खाली डी लिखते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा डी कोड, ठीक है। हमारा डी कोड कैसे लगेगा, हमारी मिडल फिंगर आएगी फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, ठीक है। हमारी इंडेक्स फिंगर आएगी थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, ठीक है। हमारी रिंग फिंगर आएगी सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, ठीक है। ये हमारा हो गया डी कोड, डी मेजर कोड, ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए है, ये ओपन कोड है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। वो स्टार्ट कैसे करें गिटार को, मैं स्टेप टू स्टेप चलूंगा, ज़्यादा मैं कन्फ्यूज नहीं करूँगा आपको, ठीक है। ये हमारा हो गया, जी कोड, हमारा हो गया सी कोड, हमारा हो गया डी कोड। अब मैं कराता हूँ आपको ई, ठीक है। हमारा हो गया ई माइनर, ई माइनर में हमारा छोटा सा एम लग जाता है ई के आगे, वो हो जाता है हमारा माइनर। मेजर में हम कुछ नहीं लगाते, ओनली ई लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको एक माइनर कोड इसमें ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। ये हमारा हो गया ई माइनर, ठीक है। हम ई माइनर कैसे लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है। आप इन दोनों फिंगर से लगा सकते हो या इन दोनों फिंगर से लगा सकते हो, ठीक है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन दोनों से लगाइए। इन दोनों से क्यों लगाइए, क्योंकि इससे हमारा एक नोट प्ले होता है, जो कि हमारा सी में भी ऐड होता है वो नोट। अगर हम इससे लगाएंगे तो हमारे एक ही कोड से हम इससे ई माइनर भी लगा लेंगे, हम इससे सी भी लगा लेंगे, ठीक है। इस हमारे मैं कहूँगा कि आप इन दोनों से लगाइए, हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारी मिडल फिंगर से, ठीक है। हम कैसे लगाएंगे, हमारी इंडेक्स फिंगर आएगी फिफ्थ स्ट्रिंग और सेकेंड फ्रेट पर, ठीक है। और हमारी मिडल फिंगर आएगी हमारी, ये आएगी फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पर। ये हो गया हमारा ई माइनर, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब बिगिनर्स को ये बताता हूँ कि मैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप जी कोड की पहले जी कोड लगाइए, आप अपनी उंगली सेट कर लीजिए। आप कैसे करनी है, पहले आप सेट कर लीजिए, जैसे जैसे मैंने बताया आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप अपनी फोर फिंगर अपनी इस पर सेट कर लीजिए, कैसे करनी है, ठीक है। अब मैं आपको एक स्ट्रमिंग बताता हूँ, उसका नाम है सालसा। करना कैसे, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ये बिगिनर्स के लिए, ठीक है।
डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ये हो गया हमारा जी कोड लग रहा है, और स्ट्रमिंग मैंने आपको बता दी 4x4 की है, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ठीक है स्क्रीन में शो हो रहा होगा, सिंपल है बहुत, हमें जी कोड लगाना है, हमें स्ट्रमिंग करनी है, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, हमारा सी कोड लगाइए, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, बहुत ही स्लो प्रैक्टिस करिए, बहुत ही स्लो, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी करोगे तो आप हमेशा इसी में अटके रह जाओगे, ठीक है, बहुत ही स्लो करिए, आधा घंटा दीजिए, एक घंटा दीजिए दिन का, या दो घंटे दीजिए, एज यू विश, ठीक है, कैसे करना है, जी कोड लगाइए, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, फिर सी कोड लगाइए बहुत ही स्लो, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, फिर डी कोड, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, फिर ई माइनर कोड, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, बहुत स्लो स्लो करिए, अपने माइंड में साइकिल चलाइए, हम यहाँ पे क्या प्ले कर रहे हैं, ऐसे करना है, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, 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 बहुत ही स्लो करिए, ठीक है, ये मेरे हमारे ओपन कोड हो गए बिगनर्स के लिए, आप इस पे प्रैक्टिस करिए, ये हमारा आज का लेसन 5th लेसन है, तो मैं आपको स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, आज का लेसन पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बिगनर्स के लिए अच्छे अच्छे लेसन लेके आता रहता हूँ, बिगनर्स के लिए भी और एडवांस के लिए भी, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी लेसन अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, मिलते हैं अगली वीडियो में।